अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत जल्दी से झटपट बन जाने वाले और बहुत ही मजेदार डिजर्ट की रेसिपी, जिसे आप ब्रोकन ग्लास जेली पुडिंग या मोज़ेक डिजर्ट कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन या गेट टुगेदर हो तो ये डिजर्ट बहुत आसानी से आप आइसक्रीम कप्स में या डिस्पोजिबल कप्स में सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी आखिर तक देखें, ताकि जब आप ये डिजर्ट बनाएं तो पहली दफा में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस जेली पुडिंग में 3 पैकेट मुख्तलिफ फ्लेवर के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको जेली ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 1 पैकेट या फिर 2 पैकेट का भी इस मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जेली के पैकेट पर 2 कप पानी में जेली बनाने का तरीका लिखा होता है, लेकिन इस डिज़र्ट के लिए जेली बहुत अच्छे से जमी हुई हमें दरकार है, इसलिए हम सिर्फ 1 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी में जैसे उबाल आए जेली का पूरा पैकेट शामिल कर देना है और बस लो फ्लेम पर जेली के बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होने तक पका लेना है। जेली बहुत अच्छे से पानी में यकजान हो गई है। मैंने जेली जमाने के लिए डिस्पोजिबल बॉक्सेस लिए हैं। मैंने जेली के 3 पैकेट एक साथ तैयार कर लिए हैं। अब ये तीनों जेलीज लिक्विड मैं एक दूसरे में शामिल करके 2 मुख्तलिफ कलर तैयार कर लूँगी, यानी कि एक ऑरेंज कलर और एक ब्राउन कलर। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप भी चाहें तो इस तरह से मुख्तलिफ कलर की जेली तैयार कर सकते हैं। अब इन जेलीज को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देते हैं और इतनी देर में मिल्क पुडिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 2 कप यानी कि 400 ml की पुडिंग बना रही हूँ, जिसमें और अज्जा भी शामिल करने हैं, तो इसलिए ये मैं 1/2 कप पानी में 3 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर थोड़ा ठंड का मौसम हो तो फिर आप 2 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है तो 3 टेबल स्पून ही शामिल कीजिएगा, ताकि रूम टेम्परेचर पर मिल्क पुडिंग बहुत अच्छे से स्टेबल रह सके। जेलेटिन को बहुत अच्छे से फेंटते हुए पानी में यकजान कर लेना है। अब इसे 5-10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। पैन में 2 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है। फ्रेंड्स, ये मैं टेट्रा पैक का मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी टेट्रा पैक मिल्क ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि खुला दूध बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जैसे ही हम जेलेटिन ऐड करें तो दूध फट भी सकता है। जब दूध में उबाल आने लगे तो इस तरह स्टर करते हुए थोड़ा थोड़ा करके जेलेटिन ऐड करना है और इस तरह बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेना है, ताकि जेलेटिन बहुत अच्छे से दूध में यकजान हो जाए। 2 मिनट पका लेने के बाद अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे। दूध और जेलेटिन का मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसमें बाकी अज़ा शामिल कर लेते हैं। ये मैं 250 ग्राम कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ और 250 ग्राम ही टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम अज़ा बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं। तमाम अज़ा बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस बैटर को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये बैटर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रख लेने के बाद ये बैटर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। दूसरी तरफ जेलीज भी बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अब जेलीज को इस तरह स्क्वायर छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये जेलीज भी कट होकर तैयार हैं। अब जल्दी से जेली पुडिंग को मोल्ड में और कप्स में सेट कर लेते हैं। ये मैंने 9 इंच का मोल्ड लिया है। मोल्ड तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मोल्ड को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ये मैंने चंद कतरे कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं और टिश्यू पेपर की मदद से पूरे मोल्ड को ग्रीस कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। अब इसमें ये मुख्तलिफ कलर की जेलीज के पीसेस शामिल करेंगे। अब मिल्क पुडिंग से पूरे मोल्ड को बहुत अच्छे से फिल कर लेना है।
अब इस तरह से जेली पीसेस को अप एंड डाउन करेंगे ताकि जेली के तमाम पीसेस पुडिंग में बहुत अच्छे तरीके से फैल जाएं। अब मोल्ड को क्लिंग रैप से बहुत अच्छे से कवर कर देना है। आप मोल्ड की जगह एयर टाइट बॉक्सेस या फिर डिस्पोजिबल बॉक्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पुडिंग को कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस जेली पुडिंग को 24 घंटे के लिए भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप आइसक्रीम कप्स और डिस्पोजिबल कप्स में भी ये डिज़र्ट सेट कर सकते हैं और इन्हें भी क्लिंग रैप करके एयर टाइट करना है और सेट करने के लिए फ्रिज में रखना है। मैंने पुडिंग को तकरीबन 15 से 16 घंटे फ्रिज में सेट करने के लिए रखा था। पुडिंग बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इस तरह से किनारों को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि पुडिंग बहुत अच्छे से मोल्ड से अलहदा हो जाए। यह हमारी बहुत ही मज़ेदार जेली पुडिंग बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।